तो माशाल्लाह देखिए आप लोग कि ये हैदराबाद में हम एग्जीबिशन जो हुआ है वहाँ शूट करने आए हैं। काफ़ी अलग अलग ब्रीड के बकरे आए, जैसे सानियन देख सकते हैं आप, बेंटम देख सकते हैं फुल ब्लैक में, और काफ़ी अच्छा शो है। तो वीडियो जो है जितना भी आएगा इसका पूरा सीरीज़ का एक एक वीडियो आएगा, जैसा शूट करना देखूंगा मैं वैसा शूट करूंगा इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे शौक जैसा होता है, लोग शौक करते हैं और एग्जीबिशन करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हैदराबादी देखिए माशाल्लाह अभी अदंत है, एक एक बकरा जब जाएगा शो में क्या डिटेल पे होगा, क्या खूबसूरती इसको प्राइज़ मिलेगा, तो पूरा हम बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है। जिंग आया है, और दूसरी चीज़ ये थी कि भिवंडी बॉम्बे वालों के लिए ख़ास तौर से कि ऐसा शो वहाँ भिवंडी में या बॉम्बे में कहीं कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इससे लोगों का शौक़ बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि शौक़ बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शन हैदराबादी के हर ब्रीड में है, यहाँ पर हॉर्स भी हैं, शौक़ जो है लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोग आ रहे हैं देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है। मैं एक एक करके हर चीज़ें हर ब्रीड दिखाऊँगा, एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा यहाँ पर के क्या क्या चीज़ें आई है। जिंग देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह भाई। आपका ये आपका कहाँ से लाए हो? चंद्रानगुट्टी से। अभी ये शो में आएगा ना? हाँ, शो में आएगा, फिर पूरा बनाएंगे, इसके डिटेल लेंगे आपसे, है ना? माशाल्लाह सिंह देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है और अच्छी चीज़ है। अब बच्चों का शौक देखिए, बच्चे आए हैं घूम रहे हैं, शौक कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन जो है ये शौक कर रही है। भाई ये कहाँ से आए हो आप? मलकपेट। चंचलगुड़ा मलकपेट। और क्या नाम है आपका? गौस है मेरा, आमिर सलीम गौस। आमिर सलीम गौस, हैदराबादी है ना ये? नासी में। अभी शो में उतरना बाकी है ना? शो में उतरना है। चार दांत पे, तो इंशाल्लाह शो में उतरेगा तो फिर भाई पूरा इसका ओवरव्यू देंगे, है ना? ठीक है, माशाल्लाह देख सकते हैं। जमीर भाई कैसा लग रहा है आके? अच्छा भाई, बहुत मस्त तो लग रहा है भाई, यहाँ पर अच्छे अच्छे अभी तो बहुत से जानवर आना बाकी है ना? जी भाई, अभी तो धूप है काफी, असल में यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है। हाँ। दो दिन पहले बारिश हो गई थी, इसके वजह से धूप ज्यादा हो गई है। हाँ, अभी बकरे आना बाकी है, काफी बकरे बाकी है अभी आना। यहाँ थोड़ा सा लोगों को दिखाते चलते हैं करके, है ना? जी हाँ। ऐसा शौक क्या बोलते हो, भिवंडी बॉम्बे में होना चाहिए, ऐसा शौक करना चाहिए, एग्जीबिशन लगना चाहिए? भिवंडी बॉम्बे में होगा तो और शौक बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल शौक हो जाएगा अभी यहाँ, और पालने का एक अलग मजा आएगा ना। ये कौन सा मेंढा है? कर्नाटक में, कर्नाटक का मेंढा है ना? यहाँ पे लोग, मैं देखा हर चीज लेके आके अपना शौक करा रहे कि हम क्या क्या शौक करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर बहुत शौकीन हो गए, हर कोई बकरा मेंढा लेके। शौक तो अपने भिवंडी बॉम्बे में भी कम नहीं है भाई। असलम भाई, सलाम, खैरियत है जी? रिजवान भाई, चालू है शूटिंग? चालू है, अल्लाह का शुक्र है, मज़ा आ रहा है बहुत बहुत। आपका तो आप हमेशा से और चार चांद लग गए। जजाक अल्लाह मेरा भाई, द किंग ऑफ भिवंडी इज हियर इन हैदराबाद। अल्लाह और तरक्की दे हमारे भाई। नहीं, आमीन आमीन। ठीक है भाई, शूट ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा लोगों को, है ना? और आसिम भाई एक सवाल ये था कि आपका क्या बोला, ऐसा शौक भिवंडी बॉम्बे में ऐसा एग्जीबिशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जरूर लगाना, लगाना चाहिए, शौक बढ़ेगा, मेरे साथ शौक बढ़ेगा और शौक बढ़ना चाहिए इसका, जरूर ये करना ही चाहिए। और बहुत अच्छा शौक करते भी है बॉम्बे में, लेकिन भिवंडी में लेकिन लोग को ऐसे लाते नहीं है, और मेरे हिसाब से लाना चाहिए। एक ये देखने से इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं। अब जैसे मेरे भी दिल में है जो आपके है। हाँ, जाके देखो, कुछ वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा भी ऐसा इरादा है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शौक एक तरह से देखा जाए ना तो हैदराबाद में तो अच्छा लगा आके मेरे को कि यहाँ पे है माशाल्लाह, कर रहे हैं, एक जगह जमा हो रही है, एग्जीबिशन कर रहे हैं अपने, वहाँ शौक कहीं ना लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन खत्म भी उतना हो रहा है। तो एक करने से शौक बढ़ता, शौक बढ़ता है, शौक जितना करेंगे उतना बढ़ेगा, एक को देख एक बढ़ाते और तैयारी में रखते जनवर। तो बस यही चीज वहाँ भी अगर होए, कोई लोग जैसे साल और आगे शौक के वजह से सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मेहनत करके लोग यहाँ पर, कुछ लोग कंट्रोवर्सी करके बढ़ाना, शौक से शौक का फायदा, बस ये बोलना चाहता है, शौक से होगा तो भाई अपने को भी अच्छा लगेगा और लोगों को मजा आएगा देखने। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड माशाल्लाह, और अभी आनी बाकी है, बहुत लोग देखो ना, अभी लोग औरंगाबाद से आए, औरंगाबाद, क्या बात है,
कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, इसलिए शौक लाए हैं, शौक लाए हैं और कुछ नहीं, बस शौक है, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, कुछ मिलना नहीं है, ये तो शौक गज लाया, हम भी नासिक से आए, नासिक से आए, शौक गज लाया है भाई, ये भी देखिए भाई आप आए क्या के लिए, खाली बस शौक के लिए देखने और कुछ, और कुछ काम नहीं, शौक के लिए बस बताओ भाई, देखने आए क्या है, फिर तो भाई बॉम्बे में आएंगे, अगर बॉम्बे में हुआ बहुत बहुत अच्छे पैमाने पे होना चाहिए, होना चाहिए, और आसिम भाई चाहेंगे तो कर सकते हैं भाई, ये मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह ताला, अगर चाहेंगे तो, मेरा ऐसे दिल में आया कि मेरे को ऐसा लगा यहाँ आने के बाद करेंगे कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, होना चाहिए जरूर। आपको कैसा लगा ये बताइए पहले। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मेरे को आके यहाँ पे, यानी एक चीज वही चीज मैं आसिम से डिस्कस कर रहा था कि एक सोच आई, आपको देख के मेरे को ऐसा लगा कि आपकी जो खुशी है मेरे पास भी ऐसा होना है कि वो दिल से बात होना चाहिए, इसके लिए पूछा था मैं, नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई आपका आने का हमारे, नहीं भाई भाई आए, आप सबका शुक्रिया भाई, बाहर से ऑटो से जो भी आए आप सबका शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह भाई, नहीं हमारा काम है भाई लोगों तक शौक पहुंचाना, जो हम यूट्यूबर हमारा जो काम है कि हम चाहते हैं कि लोगों तक शौक पहुंचे और लोग देखें कि कौन कौन सी ब्रीड है और नॉलेज मिले, बहुत से लोग होते हैं शौक करते हैं स्टार्ट करते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, लाइफ विद एनिमल्स, ठीक है भाई, तो जज़ाकअल्लाह भाई शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत, ठीक है, हैदराबाद आए हमारे को भी बहुत खुशी, बहुत माशाल्लाह से भाई का ये जो है ये जो शौक, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा ये विलायती में काम करते हैं, सबसे ज्यादा सेल आपके हमारे बम्बई में जाता, आपका जानवर अकबर भाई इंडिया लेवल पे, अकबर जाफरी मेंढा भी तो माशाल्लाह लाए थे ना भाई, वैसा जी भाई बहुत माशाल्लाह मेंढा था, बहुत दिल खुश हुआ, ऐसे मेंढे तो इनके पास 2 महीने में 3 से 4 निकलते रहते, निकलते रहते निकलते रहते, ये फैक्ट्री फैक्ट्री डाल के रखे हैं आसिम भाई, अलग से फैक्ट्री है, ये इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, देखो एकदम ग्राउंड टू अर्थ आदमी, ये है इसकी काम, इंशाल्लाह जाएंगे देखेंगे, मैं तो पहली बार आया हूँ हैदराबाद, रिकमेंड करता हूँ कि इनका जरूर जाओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, नोट कर लो ये आदमी को, ये अकबर जाफरी है, मेंढों का चैंपियन, मेंढों का चैंपियन, यानी ये सेल आउट भी करते हैं यहाँ पे, पूरा ऑल ओवर इंडिया भेजते हो आप, मान ऑल इंडिया जानता है, इन्होंने वापस कश्मीर भेज दिए वहीं से बना के वहीं भेज दिए, मतलब चीज वैसी बनाते तैयार करते, और देखे ना भाई चीज माशाल्लाह जो हिसाब से आई और दिख के आई कि क्या चीज है, मेहनत इंसान की दिखती है कोई भी चीज में, और ये प्राइस तो बोलता ही है भाई, जी माशाल्लाह इनकी मेहनत का नतीजा ये है आज सामने, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई, ये कौन से ब्रीड में भाई, ये मदुरई मेंढा है, ये घर का है, फीमेल है, ये मेल है, हमारे घर की, ये 7 महीने का है, वो 5 महीने का, 7 महीने का है, 5 महीने का, ये 7 महीने का है, बकरी है, पाठ है, और ये 5 महीने का, 15 इंच है और चकलान 7 और इसके 15 इंच 6 1 इंच कम है, 1 इंच कम है, 1 इंच कम है, और ये बेबी है हमारे घर का, ये छोटी है, ये सब घर की ब्रीड है, घर के ब्रीड है हमारे, ये डॉलर है हमारे घर का, डॉलर अभी एग्जीबिशन में उतरना बाकी है ना, शो में उतरना बाकी है, उतर के हो गया, हाँ हो गया, शूटिंग हो गया, अच्छा ये मुन्नी है, तो अभी फिर वो हिसाब से प्राइस मिलेगा अभी, हाँ अभी क्या और भी बकरे आएंगे, और भी बकरे आएंगे, अभी इनके कान की साइज और बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, ये 5 पीस, ये पूरा 5 पीस है, दोनों हमारी घर की है, 3, अगर आपके हिसाब से अगर इनकी कीमत आज की तारीख में क्या होगी, बेचना तो होगा नहीं आपको, बेचना, हाँ फिर भी कीमत आपके हिसाब से आपने खरीदी करे है, सब करे है, खरीदी तो नहीं है हम लोग, नहीं बेचना मैं तो, मेरे को ही मालूम है आप शौक कर रहे हो, बेचना नहीं आपको, लेकिन एक चीज आज के माहौल के साथ जो भी आज का है वो हिसाब से क्या प्राइस, 3 लाख रुपए मैं फीमेल भाई, बच्चों को ज्यादा नॉलेज लग रहा है, आप इतना शर्मा रहे, क्या होगा क्या होगा अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो क्या प्राइस होना चाहिए, ऐसी सेम लेने गए तो 180 के अबव ही आएगी, 180 के अबव आएगी, 180 के अबव, कई बोलते उसमें क्या खूबी है, 4 थन है, चार थन है, बराबर, हाँ बराबर बराबर, ये भी अल्लाह की कुदरत, ये सब पूरे नेचुरल हमारे घर के इधर है, अदंते डॉलर है, डॉलर पंच फेस पंच है, अदन उसको भी झालर है, उसको भी झालर, वो 5 महीने का बच्चा है, 5 महीने का, क्या लगता है कितने इंच तक कान जाएगा इनका, अभी 15 है, कितने इंच तक जाने की उम्मीद है, इंशाल्लाह 22 तक तो जाएगा, 22 तक तो जाएगा, यानी 4 दांत तक इंशाल्लाह जाना चाहिए, जाना चाहिए, पहचानते हैं आपको, बराबर खेल रहे आपके साथ, सही है,
है माशाल्लाह। ठीक है भाई, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने लाए, आपने लाए ये? जी हाँ जी हाँ। कहाँ से लाए हो? मलकपेट से लाए। मलकपेट से। और अभी शो में उतार चुके हो कि बाकी है? शो में उतार चुके हो? उतार चुके हो? उतार दिया है, उतार चुके हैं जी जी। तो अभी शाम में रिजल्ट आएगा इसका, क्या है, क्या डिटेल पे क्या है इसकी डिटेल? देखिए 17 इंच लंबा है, हाँ हाँ, 6.5 चकलान है, 6.5 चकलान है। तो ये इसकी है सिर्फ अदंत कैटेगरी में उतारे, अदंत कैटेगरी। क्या क्या कैटेगरी में है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे अदंत कैटेगरी है, 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत तक कैटेगरी है। अच्छा, हर कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइस देंगे। और ये चीज़ अच्छी है मेरे हिसाब से कि मतलब अदंत के लिए अलग से कैटेगरी है, 2 दांत के लिए अलग से कैटेगरी है। सिर्फ इतने सारे जानवर में सिर्फ 3 जने जीतते थे अगर, हाँ, अगर एक ही उस पर रहता तो इसमें सबको शौक बढ़ेगा, सबका जो अदंत है वो भी लेके आएंगे। अगर कोई थर्ड आए तो उन्हें कोशिश करेंगे अगले साल 2 दांत में फर्स्ट आने। हाँ, अभी कान की चकलान और सब चीज़ बढ़ेगी इसकी एज के हिसाब से, तो माशाल्लाह काफ़ी कान की जो खूबसूरती है ना भाई वो बहुत अच्छी, मतलब एकदम पत्ते प्रॉपर जो कान होते हैं वो है। हैदराबादी बहुत लोग पालते हैं और बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, खाली सोचते हैं कि लेंथ जो है वो होनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर जो मैं आज कान दिखा ना ये होना चाहिए, जो एक खुला कान ऊपर से खुले, हाँ, ऐसे चौड़े कान। और ये जो इसकी अगर मैं देखूँ ये भी थिकनेस भी मोटी होगी अच्छी है ना, माशाल्लाह। ये सब चीज़ों का फ़र्क होता है और उसके हिसाब से पैसा हो जाता है जी जी। और कान भी सामने की तरफ, साइड की तरफ और पीछे की तरफ, ऐसे ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, है ना जी। कितने साल से शौक कर रहे हो भाई आप? मैं बचपन से ही है, बचपन से शौक कर रहे हैं। नहीं, मैं ज़्यादातर जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, कोई भी ऐसी चीज़ देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को नॉलेज होना चाहिए वो चीज़ का, ज़रूरी है जी। नहीं तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं, खाली कान दिखा के कि इतने लंबे कान है, बस पैसा मांग लेते जी। लेकिन ये एक चीज़ जो मैं दिखा जी, मैं सोचा लोगों को बताऊँ इसके बारे में। ये सब चीज़ अगर ये आज लेने जाए मार्केट में, आपके हिसाब से इसकी कीमत क्या होगी? कीमत ऐसी चीज़ मार्केट में कितने की मिलेगी? ये 9 मंथ्स की बकरी, अगर सही शौकीन अगर चाह रहे तो 70-75 भी दे सकते, दे सकता है ना, उतना तो बनता है। आज मैं नॉर्मल देखता हूँ लोग, मैं बहुत जगह वीडियो बनाता हूँ भाई, हैदराबादी बच्चे आते हैं, बस कान रहते हैं, खूबसूरती रहती है, चीज़ रहती है, वो 30,000 के बिक जाती है। क्वालिटी, नस्ल, ब्रीड, हाँ, बहुत मायने रखती है और पैसा उसका ही होता है। देखा जाए तो हैदराबादी जो एक्चुअल महंगे होते हैं वो ऐसे होते हैं, कोई भी हैदराबादी महंगा नहीं होता। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई नॉलेज देने के लिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? मेरा नाम जिया पाशा है। जिया पाशा, हैदराबादी ब्रीडर लाइव हो आप? जी हाँ, ब्रीडर, दो ब्रीडर है, ये एक दो ब्रीडर है, एक ये ब्रीडर है और एक ये जी। क्या डिटेल पे है ये? ये बाबू के बकरे का पोतरा है भाई, किंग बोल के हैदराबाद में है, उसका बेटा है ये। बहुत एग्रेसिव है भाई, गर्मी है, गर्म लोग देख के इतना गर्म हुआ है कि ये है एक्चुअल में गर्म? एक्चुअल है, एक्चुअल है। क्या डिटेल पे क्या है? 8 दांत का है, 8 दांत का, 20 इंच कान है, 8 इंच चकलान है, 8 इंच चकलान और 20 इंच के कान है, 20 इंच लंबा है, 8 इंच चकलान है। क्या बात है, तो शो में उतार चुके हैं उसको आप? नहीं, अभी उतारने का है, अभी उतार दिए, उतार हो गया। अच्छा, तो अभी रिजल्ट शाम में आएगा इसका? जी शाम में रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, है ना, 5 दिन का। आपके हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए इसकी, ऐसा लेने जाएंगे तो? अगर लेने जाएंगे तो वो नहीं बता सकते, चलो कोई बात नहीं, गलत है। आप ये खाली शौक कर रहे हो? जी हाँ, शौक कर रहे हैं। ले ले ले। और अगर सेल करते हो, ब्रीडिंग वगैरह करते हो आपके? तो उसके बच्चे सेल करते हो? बच्चे भी सेल करता हूँ, क्रॉसिंग भी कराता हूँ। अच्छा, इसका 3-4 महीने बच्चे सेल करते हो गए आप? 3-4 महीने, 1 महीने, जैसे आप कस्टमर की पसंद। कितने के बिक जाते होंगे उसके? रहता है लेने वाले के शौक इन पे, ख्वाहिश पे, नजर वाले पे, असल नजर वाले पे रेट रहता है। जानवर का शौक जो है नजर वाले का है, व्यापारी का नहीं होता, व्यापारी अलग होता है। असलान होता। और ये भाई कितने, क्या दांत पे? 6 दांत पे है। 6 दांत बाजीगर का बेटा है इसका। अच्छा, क्वालिटी में अगर दोनों में मैं देखूँ तो टायर चीजें भाई हैं दोनों भी। अच्छा अच्छा, कौन सा माना जाएगा? दोनों भी एक से एक बल्कि दोनों भी अलग अलग, दोनों बाबू लाइन के है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम हैदराबाद आया हूँ, लोगों को शौक करा रहा हूँ, मेरे चैनल के जरिए जितना मालूम हो सके लोगों को मिले, मैं ये चाहता हूँ। भाई से बात करो, भाई अच्छा इंटरव्यू दे सकते भाई, मेरे भाई। आपका नाम? मेरा नाम इमरान है। इमरान है जी।
अच्छा राउंडिंग करा देता हूँ। ये क्या डिटेल पे है भाई? ये देखिए 6 लाख का बाजीगर का बेटा है, बाजीगर जो जावेद भाई का बहुत नामवर बकरा था हमारे शहर का। इन दोनों का दादा सेम है, ये किंग का बेटा है और ये बाजीगर का बेटा है। दोनों का दादा सेम है लेकिन। अच्छा दादा जो है बाबू का बकरा है, एक मशहूर बकरा है बेंगलोर का। हाँ हाँ वो इनका दादा है। अच्छा ये दोनों भी देने के हैं। दोनों भी देने के हैं। इंशाल्लाह अच्छा रेट आया तो इंशाल्लाह। तो आपका नंबर बोल दीजिए एक बार अगर 817-817-9211-2522। तो जिस किसी को भी चाहिए रहेगा आपको पर्सनली कॉल कर सकते हैं। रिजल्ट भी है अपने पास। हाँ रिजल्ट का भी। बच्चे भी बेचते होंगे ना इसके? तो नहीं नहीं बच्चे नहीं बेचते। हाँ इसका इसके जो बच्चे जो है दूसरे बकरियों पे है। हाँ जो लोग शौक के लिए जो है इसकी ब्रीड लिए हुए हैं। ये 6 दांत 6 दांत 6 दांत 19-8 कान है उसके। 19-8 मतलब ज्यादा इसके बड़े हैं। इसके थोड़ा सा एक इंच और चौड़ान इसकी ज्यादा दिख रही है। ये दोनों की 8 है। दोनों की 8 है। दोनों सेम ब्लड लाइन के। माशाल्लाह सही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है ओके ओके भाई।